मम्मी कुछ बोलना चाहेंगे आप? पतो आ गए घर तो मम्मी को घर में रहना आवा बोलना चाल कर रहा मम्मी को देने वाले थे झट वेलकम बैक टू माय चैनल चाइनी डॉटर एंड आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बिहार, मैंने अपना ससुराल जा रहे हैं और हमको आज गिफ्ट किए, हमको बहुत ही अच्छा लगा। और कौन सा महीना ना महीना चल रहा है हमको नहीं मालूम, पर उसमें बोलता है नहीं जाने के लिए, पर मम्मी लोग मतलब बोलते हैं कि नहीं, मतलब होता है आप लोग को जाने का मन तो जा सकते, इतना कोई ये नहीं है। हम सोचे कि हम जा सकते, फिर मेरा टिकट भी हो चुका है क्योंकि सीट भी खाली था, टिकट भी हो गया मेरा। ये क्या बोले हमको? तो गाइस मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैं एक दो जगह ये किया, फिर बोला कि शादी के बाद जो फर्स्ट टाइम आता उसमें नहीं जाता है, बट हम तो दो तीन बार आ चुके हैं इधर, तो तू जा सकते हो उसमें। तो लोगों का कहना है और कमेंट्स भी ऐसा ऐसा आ रहा था, तो चलिए फाइनली भी जा रही है साथ में। और मैंने अपने चैनल पे नहीं बताया बिकॉज मैं देखना चाहता था मम्मी को, और मम्मी को देने वाले हैं झटका क्योंकि उनको बोले हैं कि मैं नहीं लेके आ रहा हूँ और ये नहीं जा रही है, मतलब मम्मी के नज़र में। और तो बिहार बिहार में इतना ठंडा है, यहाँ पे ऐसे ठंडा लग रहा है, बिहार में तो बहुत ही ठंडा हो सकता है। हाँ बिहार में ठंडी है, तो हम लोग का बैग भी रेडी हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैं भी रेडी हो चुका हूँ और निकलने वाले हैं अभी। हम लोग का ट्रेन है 2 बजे, तो हाँ 1:30 बजे रहता था ना, 1:30 बजे करीब में, नहीं 2:05 में है। तो चलिए, और मम्मी को नहीं पता है कि उसकी बहू आ रही है क्योंकि मैंने मम्मी को बताया ही नहीं कि ये आ रही है, और तो इसको लेके जाऊंगा सबसे आगे वाला रूम में बैठा के रखूंगा, मैं पहले एंट्री मारूंगा, वहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या करूँगा, देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग 7 बजे पहुँच जाएंगे आज, क्योंकि हम लोग को कहाँ होता है ना, झांझे उठाना पड़ता है तो वो जल्दी पहुँच जाते हैं। तो बैग वगैरह रेडी है और चलिए। आप ही ले लीजिए, हम तो जूता पहन लिए, हम क्या कहेंगे पैसा कौड़ी ना रहने दीजिए ना मम्मी, ना कुछ खाइए ठीक है मम्मी। तो चलो झोला लो ना, ना क्या हमसे नहीं होगा, झोला ना ले भी ले लेती ना रियान, झोला ले 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 छे, यहाँ से ऑटो जाएंगे उसके बाद तक हुआ पहुंचा दे, कान में ठंडा लग रहा है, साथी ले ले मुफरल ना है, टोपी है ना, ठंडा हाँ लग रहा है, और ले ले ना टैक्सी वीडियो एक बनाए थे शॉर्ट्स, तो उधर से फोन दीदी
तो गाइस चलिए, और फाइनली हम लोग एक महीने से बिहार नहीं गए थे। हम लोग आए थे 29 तारीख को अगले महीने, और अभी हम लोग दिसंबर में जा रहे हैं। आज क्रिसमस डे है, तो मेरे तरफ से आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस डे, एंजॉय करिए। आप लोग क्रिश्चियन लोग मनाते हैं इस त्यौहार को, तो चलिए जो जो मेरे व्यूवर्स हैं तो उसके लिए हैप्पी क्रिसमस डे। तो वो आएगी, अब निकलेंगे, और 2 बजे ट्रेन है, कहीं लेट ना हो जाए। काम लगे तो कटमा এটা আছে না না পয়সা সে না হম কল লেতে সে तो गाइस यहाँ पे चांदनी लोग यहाँ पे टोटो के लिए रुकी हुई है, आप देख सकते हैं मम्मी भी छोड़ने आई है। After 1 month later. ये लड़की कुछ भी नहीं लेके जा रहे है गाइस, बताओ तो। शादी करने के बाद पति जो है ना वो क्या बन जाता है देख सकते हो। तो गाइस स्टेशन पहुंच चुके हैं, ट्रेन बहुत देर है अभी, और क्या रहे इधर क्या कर रही है, यहाँ पे सामान बैठो, यहाँ पे हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रहे हैं खाने पीने का। क्या खाओगी? वहीं पे दुकान है। नहीं बैठो यहाँ पे, सामान चुरा के भाग जाएगा कोई, सोना चांदी है। बैठो ना, अब बैठो, हम लेके आ रहे हैं, बताओ क्या क्या खाना है। हम पसंद करेंगे ना। नहीं तुम यहीं पे बैठो, हम आ रहे हैं लेके, बोल दिया तो बोल दिया। जैकेट पहन के आ गई है। बताओ क्या खाना है? है क्या खाना है? टाइम नहीं है। एक केक लेके आइएगा, एक चिप्स, और एक कुरकुरा, और स्प्राइट। पैसा दो, मजा पैसा दो, मेरे पास है पैसा। तो ये सब नहीं ला रहे हम, आपका पैसा तो मेरे पास रहता है। तो चलिए अभी ट्रेन आ जाता है, निकलते हैं अभी। भाई सभी कुछ नहीं ले आए, तब तक लाने गए तो ट्रेनें आ गया है ना, तो बैठ गई है। बिहार जा रही हो क्या तुम? सच में बिहार जा रही हो? जाना ही पड़ेगा है ना, कोई चारा तो है ना, और खाना पकाना ही पड़ेगा। हम इसको तो हम जा रहे हैं गांव, ये बोले थे नहीं लेके जाएंगे, पर इनको लेके जाना ही पड़ रहा है। हम जो ठंडा है पर गर्मी लग रहा है। हम सोचे थे दो, मतलब दो पांच में आएगा ट्रेन, देख रहे तो 1:24 में ढूंढ गया ट्रेन। हम लोग का सामान भी रखा गया। आप आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ नहीं अच्छा नहीं लग रहा था ना। चलिए अब झाझा में मिलते हैं आप लोगों से। इसको कुछ कुछ झाझा कितना दिन पहुंच जाएंगे? 7:30। साढ़े सात तो मैम साहब के लिए मंगवाए हम लोग चिकन और मोमो है ना, चिकन मोमो और बिरयानी। तो बिरयानी और मोमो ही है बस, नहीं इसमें सिर्फ बिरयानी और मोमो है। देखो खोल के क्या है, चलो खाते हैं। देन ये आसनसोल पहुंच गए अभी, और यहाँ से हम लोग को झाझा पहुँचने पहुँचने में लग जाएगा 7:30 बज जाएगा है ना। 7:30 7 बजे हम लोग उठ जाते हैं।
सही है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और मम्मी भी, हम मम्मी को पता नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, जैसे कि हमको ही पता है कि मैं जा रहा हूँ, इसके बारे में नहीं पता। तो जाते हैं, मम्मी को झटका देते हैं। कैसे कैसे मम्मी बोलेंगे, देखते हैं मम्मी का रिएक्ट कैसा रहता है। हाँ, मैंने आज सिटी एप से साइट से मैंने बुक किया, और मैंने एक बार और किया था, वो अच्छा लगा था इसलिए मैं किया, क्योंकि ट्रेन का अच्छा नहीं रहता। चलो खाते हैं गाइस, अभी झाझा पहुंच चुके हैं और बस अभी जस्ट पहुंचे। किधर गई, इधर आओ, यहाँ से डायरेक्ट गांव। और बहुत हैप्पी लग रही है, क्या लेना है, लो जल्दी से। हाइट टिक दे जी। वो जो क्रीम में जो बिस्कुट रहता है, कोई क्रीम में नहीं रहता है, बिस्कुट नहीं है, नहीं इधर देखो, ये है हाइट टिक, ये नहीं, अच्छा ये एक तो भी गाइस यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से ऑटो करेंगे देन घर जाएंगे। और बहुत सही टाइम पे पहुँचा दिया, जनशताब्दी हमेशा राइट टाइम पे पहुँचाता है, इसलिए बेस्ट ट्रेन है अभी तक का, और हर दिन चलता है ये ट्रेन, बहुत अच्छा ट्रेन है। तो अभी ये ले लेती है, उसके बाद बाहर जाएंगे, ऑटो करेंगे, घर निकलेंगे, क्योंकि भाई और मम्मी को पता भी नहीं है कि हम आ रहे हैं। हम बताए नहीं, अब किसी को भी नहीं बताए, हम सोचे कि नीवा को फोन करके बता देते हैं, तुम किसी को मत बताना, ठीक ना। तो और खाना बना के रखेगी, है ना। आगे जाके ये खाना बनाएगी। हाँ। है न, क्योंकि फोन नहीं उठा रही थी तो छोड़ दी, फिर बोले कि हम भी जाके सब कर लेंगे, बहुत ही। और पता है स्टेशन पे इतना ठंडा लग रहा है, हमको क्या बताएं, और कोल्ड ड्रिंक पी रही है ठंडी में, वाह क्या चॉइस। नहीं नहीं, अमूल दूध है, हम पहली बार ऐसा डिब्बा देख रहे हैं, दूसरा डिब्बा। चलिए कितना हुआ भैया। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं झाझा स्टेशन से, हनुमान जी दिख गए, हनुमान जी दिख गए स्टेशन के पास, हम नहीं देखे थे, हम भी हम की बार देखे हैं। हाँ, इसी बात। तो गाइस अभी यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे घर, और मम्मी का रिएक्शन देखने वाले हैं क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने मम्मी को बताया नहीं अभी तक कि उनका पुतौ आ रही है। ये चले भी जाएंगे तो मम्मी को पता है कि ये तो आएंगे, आए भी करेंगे। और मेरे बारे में मतलब एकदम ना हो गया कि चांदनी नहीं आएंगे, चांदनी मतलब बाद में आएगी, है ना। हम ये भी बोले थे कि नहीं तुम मत जाओ, क्योंकि अभी कुछ महीना मतलब है इसमें, तो बोलता भी नहीं जाने के लिए, तो वो चीज़ का मैं बात कर लिया हूँ और सॉल्व हो गया। वो चीज़ क्या होता है, न्यू में ऐसा होता है, बट हाँ, हम दोनों का, पर हम लोग मतलब दो तीन चार बार आ चुके हैं, जा चुके, तो हम लोग के पास तो फर्स्ट बार नहीं हुआ, चार बार नहीं हुआ, एक दो बार हुआ। हाँ, हो गया ना। ये होता है जब फर्स्ट बार कोई आया जाता है ना, तब उसको नहीं जाया होता, मतलब जाना नहीं होता है, नहीं तो उसमें अशुभ कुछ हुआ जाता है। हम लोग तो ऐसा तो हुआ नहीं, हम तो आ जा कर लिए है, अभी जाते हैं और मम्मी का रिएक्शन देखते, मम्मी क्या बोलते हैं और नानी से पूछेंगे, तो जाके देखते हैं। तो गाइस घर रात में ही पहुंच चुके थे, और मम्मी जैसे कि आप लोगों को पता है, आर्यन आरजे वाले ब्लॉग देखे ही होंगे, उसमें मम्मी रोड पे ही थी, दूसरे के घर से आ रही थी, मतलब पास में पड़ोसी का, वो प्रैंक सक्सेस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत ही खराब लगा, और उतना जितना प्लान किए थे सब पानी में चल गया। तो ये लड़कियां भी मम्मी के साथ बैठी है, कैसा लग रहा है एक महीने के बाद बिहार फिर से आके? अच्छा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ठंडी है गाइस, और छत तो उसका वीडियो अलग से आएगा, अभी घर बंद है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा न्यू घर अभी रेडी नहीं हुआ अच्छे से, पूरे तरीके से फिनिश नहीं हुआ, अभी देख सकते हो
ये ढलाई के लिए ये दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मम्मी कुछ बोलना चाहेंगी आप? पतो आ गए घर तो मम्मी को घर में रहना बोलना चाल कर रहा मम्मी को देने वाले थे झटका। मम्मी बाहर कहाँ रात को घूमती रहती, घर में बैठना चाहिए था। तब घर में बैठते तो हम लोगों का सक्सेस हो जाता क्या? चोरी करे फार्मी तो सब कहाँ करे फार्मी चोरी। जब हम सब रहेंगे तो एक बार भी बाहर नहीं जाएंगे मम्मी, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तो बाहर में घूमती रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।